आज का हमारा ये जो वीडियो है फ्रिज का कंप्रेसर की जो टर्मिनल होते हैं वो जब छोटा हो जाए तो उसको रिपेयर करने का सिंपल जुगाड़ तरीके मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रिज की कंप्रेसर में जब पावर ज़्यादा हो जाता है या फिर स्पार्किंग या फिर शॉर्ट सर्किट जैसे चीज़ें यहाँ पर टर्मिनल के साथ होता है तो टर्मिनल जो है गल जाता है और छोटा हो जाता है। तो उसके लिए जब आप चेक करेंगे कि आपके फ्रिज का कंप्रेसर का टर्मिनल छोटा हो चुका है तो सबसे पहले आप अपने फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसको सीरीज लैंप से चेक करें कि बॉडी वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, मोटर बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कंप्रेसर उस कंडीशन में बिल्कुल ठीक है, सिर्फ टर्मिनल छोटा हो चुका है। उस कंडीशंस में आप ये जो जुगाड़ तरीके हैं उस तरीके से अपने फ्रिज के कंप्रेसर को कुछ दिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले बिजली की बोर्ड में लगाकर चलाकर दिखा देता हूँ, फिर जुगाड़ तरीके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बिजली की बोर्ड पे लगा दिया हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। तो ऑन करते ही यहाँ पर जो है इस कंप्रेसर में साउंड आने लगी है, ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से जुगाड़ लगाना हो तो लगा सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी प्लग ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद कैमरा जूम करता हूँ और आपको ये जुगाड़ तरीके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो ऑयल पी आप देख रहे हैं इसके मैंने नीचे का हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ दिया है ताकि यहाँ पर वो फिट हो चुके। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो रिले है, रिले को मैंने यहाँ पर दो तार आगे बढ़ाया है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया था। इसकी जो टर्मिनल है वो टूटा हुआ है, वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तार को निकालता हूँ, ये देखिए। तो ये जो वायर आप देख पा रहे हैं ये खंभे में लगाने वाला मीटर के साथ जो लगता है सर्विस तार, वही वाला तार है जिसकी तार का आगे हिस्सा हमने इस तरफ से खींच दिया है और पीछे थोड़ी सी गैपिंग यहाँ पर बना हुआ है जिसके कारण इसके टर्मिनल पर फिट करते हैं। तो ये जो तार है टर्मिनल के साथ आपस में ज्वाइंट हो जाता है जिससे आपस में कनेक्शंस बन जाते हैं। फिर इसको हटाता हूँ, दूसरे वाले को देखते हैं। तो ये भी सेम हमने दो इसी तरीके से बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये टर्मिनल बड़ा है, ये बड़ा है और ये जो है गलकर छोटा हो चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से जुगाड़ तरीके से आप अपने फ्रिज की कंप्रेसर को कुछ दिन और चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल जुगाड़ लगा सकते हैं। वीडियो से जानकारी मिली हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।